जयप्रदा और आजम खान, ये दो ऐसे नाम हैं जो किसी तरह के परिचय के मोहताज नहीं हैं। अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाने वाले आजम खान और फिर फिल्म जगत से निकलकर राजनीति में अपनी अच्छी पैठ बनाने वाली जयप्रदा आज एक दूसरे के सामने भले ही खड़े हों, लेकिन कभी ये साथ हुआ करते थे। एक दूसरे को जिताने के लिए जी जान लगा दिया करते थे। ऐसा था जयप्रदा और आजम खान के बीच का रिश्ता। मौजूदा लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जहां आजम खान को उन्हीं के गढ़ कहे जाने वाले रामपुर से टिकट दिया है, वहीं उनके खिलाफ अभी हाल ही में बीजेपी का दामन थामने वाली जयप्रदा को मैदान में उतारा गया है। और अब क्योंकि नेता कद्दावर हैं और 15 साल की राजनीति में इन्होंने अपने राजनीतिक रिश्ते में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, तो टक्कर भी कांटे की ही होगी, जिसने इस सीट को काफी दिलचस्प बना दिया है। ये उस समय की बात है जब साल 2004 में सपा ने जयप्रदा को टिकट दिया था और आजम खान ने जयप्रदा को जिताने के लिए जी जान लगा दी थी। 9 बार रामपुर से विधायक रह चुके आजम खान के लिए जयप्रदा को जिताना इज्जत दांव पर लगे होने जैसा था। जया के पक्ष में वोट मांगते हुए आजम खान कहा करते थे कि उनकी इज्जत दांव पर लगी है और उनकी कोशिशें रंग भी लाई थी। जब कांग्रेस की तत्कालीन कद्दावर सांसद नूर बानो को 85,000 वोटों से जयप्रदा ने करारी शिकस्त दी थी। हालांकि आजम और जया के बीच के ये रिश्ते काफी दिनों तक अच्छे नहीं चले और 2004 में जयप्रदा को हर कीमत पर चुनाव जिताने में लगने वाले आजम खान ने 2009 में सपा का टिकट फिर से पाने वाली जयप्रदा को हराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आजम खान की कोशिशों के बावजूद 2009 लोकसभा चुनाव में जयप्रदा 31,000 वोटों से चुनाव जीत गई। आजम खान के बर्ताव में आए बदलाव की वजह थी जयप्रदा की अमर सिंह से नजदीकियां, जो आजम खान को अखर रही थी, क्योंकि आजम खान मुलायम सिंह यादव और कल्याण सिंह की करीबियों के लिए अमर सिंह को जिम्मेदार मानते थे और आजम खान के मुताबिक मुलायम सिंह यादव और कल्याण सिंह के बीच हुआ समझौता विनाशकारी था, इसलिए आजम का जया के साथ जो मधुर रिश्ता था उसमें दरार पड़ने लगी थी। 2009 में आजम खान की जयप्रदा को हराने की कोशिशों की वजह से उन्हें पार्टी से निलंबित भी कर दिया गया था, जिससे आजम खान जयप्रदा से और नाराज हो गए थे। दोनों नेताओं के बीच चल रही गलतफहमियां कम नहीं हुई, जिसका असर 2014 के लोकसभा चुनाव में भी दिखा, जब आजम खान एक कद्दावर नेता बनकर पार्टी में दोबारा लौटे और आते ही सबसे पहला काम जो आजम खान ने किया वो था जया का टिकट कटवाना, और अपनी इस कोशिश में वो सफल भी रहे और जयप्रदा को समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर आरएलडी के साथ आना पड़ा और उन्हें बिजनौर से टिकट भी दिया गया। लेकिन 2014 में तो मोदी लहर चली थी जिसकी वो शिकार हो गई और उनकी जमानत ही जब्त हो गई। उसके बाद तो जैसे जयप्रदा राजनीति से ही गायब हो गई और अब लौटी हैं 2019 में, जब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 2014 में वो जिस मोदी लहर का शिकार हो गई थी उसी का दामन थाम कर अपनी किस्मत आजमाने निकली हैं, वो भी उसी रामपुर सीट से जो आजम खान का गढ़ है और जहां से करीब 10 सालों तक जयप्रदा सांसद रही हैं। अब रामपुर सीट से एक तरफ बीजेपी की जयप्रदा है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से आजम खान है, और टक्कर है दोनों के बीच कितने सालों के बनते बिगड़ते रिश्तों के साथ। अब 2019 में जब राजनीति के दोनों कद्दावर नेता आमने सामने होंगे तो किसका पलड़ा भारी होगा? क्या समाजवादी पार्टी के आजम खान पर जनता विश्वास दिखाएगी, या फिर अपने ही क्षेत्र से 2 बार सांसद रह चुकी अब बीजेपी की जयप्रदा को वोट देकर जनता उन्हें विजयी बनाएगी? वैसे भी 2019 के लोकसभा चुनाव ने राजनीतिक सरगर्मियां कुछ इस कदर बढ़ा दी हैं कि हर एक सीट पर कुछ ना कुछ दिलचस्प समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे हर कोई इस चुनाव के लिए बेहद उत्साहित है। अब इंतजार है 11 अप्रैल का, जब 20 राज्यों की 91 सीटों के लिए पहले चरण का मतदान होगा और जनता ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत कैद करेगी। माननीय राष्ट्रीय महामंत्री सांसद भूपेंद्र यादव जी आपके बीच हैं, राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख सांसद अनिल बलूनी जी हैं, श्री गौरव भाटिया जी हैं, और निरंतर आप जिसको सुर्खियां बना रहे थे 2-3 दिनों से, ऐसी सुप्रसिद्ध अभिनेत्री, समाजसेवी और सांसद
लगातार दो बार लोकसभा और एक बार राज्यसभा की माननीय सदस्य रह चुकी श्रीमती जयाप्रदा नाहटा जी अपने बीच हैं। मेरा सादर अनुरोध है माननीय भूपेंद्र जी से और माननीय अनिल बलूनी जी से कि आप भारतीय जनता पार्टी के इस सभागार में श्रीमती नाहटा को आप पार्टी का सदस्य जयाप्रदा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। भूपेंद्र यादव, गौरव भाटिया, अनिल बलूनी, ये तमाम लोग यहां मौजूद और अब थोड़ी देर में ये पता चलेगा कि आखिर कहां से अनुरोध चुनाव लड़ने वाली है। ऐसे शुभ अवसर पर माननीय भूपेंद्र जी से कि आपको संबोधित करें माननीय भूपेंद्र यादव जी। मित्रों, जयाप्रदा जी के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने पर भारतीय जनता पार्टी परिवार में हम उनका स्वागत करते हैं। जयाप्रदा जी भारतीय सिनेमा के एक मशहूर हस्ती रही हैं, अपने आप में किसी परिचय की मोहताज नहीं है। लगभग 300 से ज़्यादा, 7 से ज़्यादा भाषाओं की सिनेमा में उन्होंने काम किया है, तेलुगु, तमिल, हिंदी और अनेकों भाषाओं में। हम सब उनके इस सांस्कृतिक रूप से जो उन्होंने अपने जीवन में कार्य किया उससे सब परिचित हैं और उसके साथ ही साथ एक लंबे समय का उनका राजनीतिक अनुभव भी है। 3 बार सांसद भी रहे हैं, राज्यसभा के भी सदस्य रहे हैं, आंध्र प्रदेश से, उसके बाद उत्तर प्रदेश से लगातार लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। लंबे समय से अपने इस सांस्कृतिक अनुभव, राजनीतिक अनुभव, सामाजिक जीवन में लगातार लोगों के बीच में वो काम करती रही हैं। आज वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र किया है, पार्टी की ओर से हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद। मेरा निवेदन है जयाप्रदा जी से, आप भी 2 शब्द रखें। जयाप्रदा जी, सभी को नमस्कार। आदरणीय भूपेंद्र जी को, अनिल जी और गौरव जी, मीडिया, पत्रकार बंधु, आप सबको नमस्कार। ये मेरे जीवन का एक अहम पल है। चाहे सिनेमा हो या राजनीति, मैंने अपने दिल से अपनाया और जितना मैं उस कला के लिए या राजनीति के लिए समर्पित अपने जीवन को करना था वो मैंने पूरी प्रयास की। आज भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता मुझे सम्मान के साथ मुझे दिया गया, उसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आपको पता है इससे पहले मैं NTR जी के साथ तेलुगु देशम में थी, उसके बाद चंद्रबाबू जी के साथ काम किए, उसके बाद मैं उत्तर प्रदेश में आई, आदरणीय मुलायम सिंह जी के साथ SP में काम करने का मौका मिला। आज पहली बार नेशनल पार्टी में मुझे वो नेता, जो बहादुर नेता, उनके हाथ में इस देश को सुरक्षित एहसास करते हैं, वो नेता आदरणीय मोदी जी, उनके नेतृत्व में मुझे इस भारतीय जनता पार्टी में, BJP में मुझे काम करने का एक मौका मिला। मैं अपने जीवन को समर्पित करते हुए इस पार्टी को और इस देश को जिस मिशन से आदरणीय मोदी जी आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, उनके नेतृत्व में काम करने को मुझे सौभाग्य मिला है।
और आज मैं अमीषा जी को, भारतीय जनता पार्टी को, सबको मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और आने वाले दिनों में मेरा जीवन में जो मुकाम पहुँचना था वो मैं अपने जीवन का समर्पित करते हुए हर पल इस पार्टी के लिए मैं काम करूँगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।